नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा कांग्रेस जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया जी, क्योंकि अभी कांग्रेस की ही टिकट डिक्लेयर नहीं है मथुरा से राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी के रूप में कुंवर नरेंद्र सिंह आ चुके हैं मैदान में, पूरी दमदारी के साथ वो लगे हुए हैं और भाजपा प्रत्याशी के रूप में हेमा मालिनी का नाम भी घोषित हो चुका है, उनकी भी तैयारियां चुनावी जारी हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं है। सिसोदिया जी, कांग्रेस घोषित करेगी कि नहीं करेगी, लड़ेगी कि नहीं लड़ेगी, कृपया बताएं आप, और सपना चौधरी का जो नाम चल रहा है उसके बारे में भी स्थिति स्पष्ट करें कि क्या वास्तव में सपना चौधरी को घोषित कर दिया गया है या बना दिया गया है, प्रत्याशी घोषणा नहीं की गई है, और भी जो आसपास की सीटें हैं उनको लेकर भी क्या कुछ आपके पास जानकारियां हैं अधिकृत रूप से, कृपया आप शेयर करें। देखिए खत्री जी, निश्चित रूप से कांग्रेस मथुरा में चुनाव लड़ेगी और ये अभी कल तक जो है काफी डिस्क सीएजी की मीटिंगें चल रही हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है और सपना चौधरी को ही मथुरा से लड़ाया जाएगा और आज ये डिक्लेरेशन 2-3 बजे तक हो जाएगा जी, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी और मथुरा में एक ऐतिहासिक जो है जीत दर्ज भी करेगी। कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी, इन दोनों बातों से बड़ी बात शायद हमको ये लग रही है कि सपना चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सपना चौधरी कांग्रेस की प्रत्याशी, अधिकृत प्रत्याशी होंगी। तो घोषणा हुई नहीं है लेकिन होंगी? नहीं, हमारे संभावना जिस तरह से जो है जो डिस्कशन चल रहा है उसमें प्रथम नाम सपना चौधरी जी का है। अच्छा, फिर आप प्रथम नाम पर आ गए सिसोदिया जी, समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस कर क्या रही है, इतना विलंब क्यों कर रही है। एक पैनल होता है जी, पैनल में जो जानकारी हमें मिली है थोड़ी अंदर की बातें शेयर कीजिए आप थोड़ी सी। देखिए अंदर की बातें, क्या क्या विचार किया, किस किसने किस किस से क्या वार्तालाप किया, क्या बात कब कहां पर हुई है, कहां पर अटकी है? देखिए ये पार्टी के इंटरनल मैटर डिस्कस नहीं किए जाते हैं खत्री जी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है जो कुछ बता सकता हूँ कि पार्टी नेतृत्व हर एंगल से हर चीज सोच करके डिस्कस कर दिए, उसमें 2-3 नाम पर डिस्कशन होता है जी, कभी जो है तो 2-3 अलग अलग तरीके से, क्योंकि सीएजी की बैठक में हमारे माननीय जो है कई नेतागण मौजूद रहते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ डिस्कशन में, तो 2-3 नाम चलते हैं उन पर डिस्कशन होता है, लेकिन जो है सपना चौधरी उस डिस्कशन में मैं प्रथम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्कशन सपना चौधरी जी को लेकर के पार्टी नेतृत्व गंभीर है जी। और पहल 5 नाम बताए थे, महेश पाठक, प्रदीप माथुर और श्याम सुंदर उपाध्याय बिट्टू, और एक नाम और कौन सा बताया था आपने सपना चौधरी के अलावा, 5 नाम बताए थे? प्रियंका चतुर्वेदी तो, और सपना चौधरी सबसे आखिर में बताया था आपने। तो अब देखिए प्रदीप माथुर जी ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है जी, तो इसलिए पहला नाम जो भी नाम प्रदीप माथुर जी का ही बताया था, लेकिन जो चर्चाओं में था एक नंबर पर महेश पाठक थे और हाँ जी। तो अब एक नंबर पर सपना चौधरी हैं और बाकी सारे नंबर मैं समझ रहा हूँ कि अपने आप खिसक रहे हैं। जी 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 प्रदीप माथुर तो इनकार कर ही चुके हैं,
और एक तरह से वो मैदान छोड़ चुके हैं, उनको अपनी दूरदृष्टि से ऐसा लगा कि इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाना किसी भी तरह से ठीक नहीं है स्थिति। नहीं, उनको उनका जो है जो भी उनका इंटरनल वो रहा हो, नहीं उनका अपना अनुभव है, राजनीतिक अनुभव है, कोई अब जानबूझकर तो थोड़ी ना कूदता है कुएं। और ये जो है 2-3 बजे तक खत्री जी जो है पार्टी का जो है आज फैसला मसला में निर्णय हो जाएगा जी। और हम बताइए और कुछ क्या कुछ चल रहा है, जो मीटिंगें चल रही हैं उनके और क्या क्या नए ताजा डिसीजन हैं थोड़ा सा बताएं। देखिए जो है पार्टी के अंदर जो है में बड़ी सारी चीजें हमारी कंप्लीट हैं और कार्यकर्ता जो है वो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है सपना चौधरी जी का कि पार्टी ने सत्य कब उनको घोषणा करे और पूरी सेना मथुरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उनको जिताने के लिए तैयार बैठी है। अच्छा जी, तो मतलब हम ये घोषित कर दें कि सपना चौधरी होंगी कांग्रेस प्रत्याशी, आप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं और घोषणा होनी बाकी है अब सिर्फ। जी 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 जी, अभी घोषणा नहीं हुई है? नहीं घोषणा नहीं हुई है, वो दो घोषणा किन किन की हुई है, आधिकारिक रूप से पत्र किन किन के जारी कर दिए गए हैं? देखिए फतेहपुर सीकरी से हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर साहब ने मुरादाबाद सीट उनको अलॉट की गई थी जी। और वो सीट उन्होंने छोड़ दी है और उनको पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी के लिए घोषित किया है जी। इसी तरह आगरा शहर की सीट जो है लोकसभा आगरा जी, पूर्व आईएएस हरप्रीत सिंह जी को डिक्लेयर किया है और अलीगढ़ की सीट चौधरी पूर्व सांसद हैं बिजेंद्र सिंह जी, उनको प्रत्याशी घोषित किया है जी 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 जी। तो अब ये मथुरा जो है आज डिक्लेयर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी हमें देने के लिए, इतनी बातचीत हमसे करने के लिए। अभी तक हमारे साथ रहे कांग्रेस पार्टी के मथुरा के जिलाध्यक्ष सोहन सिंह सिसोदिया, जो आश्वस्त हैं पूरी तरह से तैयार भी बता रहे हैं अपनी पार्टी को सपना चौधरी के लिए। सपना चौधरी होंगी कांग्रेस प्रत्याशी मथुरा लोकसभा क्षेत्र से, इसकी घोषणा होनी अभी बाकी।